लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर तुझे छोड़ दिया ना तो हमारा बॉस हमें मार देगा। चलो। वो कौन है? पता नहीं कौन है ये, तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम किस बात की? मुझे तो ऐसा शक हो रहा है कि प्रिंसिपल मैडम ने हम पर नजर रखने के लिए इसे यहाँ भेजा होगा। हो सकता है, तुम सही कह रही हो, वो ऐसा कर सकती है। अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। तुम क्या करने वाली हो? अरे कहाँ जा रही हो? मैं बस अभी आई। हाय मिस, आई एम संध्या। आपका नाम क्या है? अच्छा नाम है। शिवानी, तुम्हारी कजन गूंगी बहरी है ना, और उससे बात करने के लिए साइन लैंग्वेज सीखी है ना तुमने? लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? अरे ये बेचारी बोल नहीं सकती, एक तुम ही हो जो इससे बात करके समझ सकती हो। ठीक है। तुम क्या बचपन से ही गूंगी हो? जब मैं 5 साल की थी, मैं अपनी माँ और पापा के साथ कार में जाते वक्त। जब तुम 5 साल की थी उस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स? गीता, बाहर मत झांको बेटी। नहीं डैडी, मुझे ऐसे ही पसंद है। अगर तुम ठीक से बैठोगी ना तो विंडो बंद करके एसी चला दूंगा। मुझे एसी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बैठूंगी। तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी हो गई हो। वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही है तो इसके लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? माँ देखो ना मेरा इयररिंग गिर गया। घुमा दिया ना? तुम्हारे पापा ने भी सब कुछ घुमा दिया और हमें BMW से इस कार में ले आए। ये कैसी बातें कर रही हो? जो सच है ना वही कह रही हूँ। मतलब तुम्हारी जायदाद पे डिपेंड हूँ तो मुझे अपना ड्राइवर समझ रही हो क्या? नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेटी का बाप समझ रही हूँ। मैं तुम्हारी नजरों में गिरा हुआ आदमी हूँ, सीधे बोलो ना। अरे मैंने ऐसा कब कहा? अब आर्गुमेंट बंद करो और गाड़ी चलाओ। तुम्हारे साथ जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ताने सुनने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूँ। इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? बात नहीं है, छोड़ो मुझे। मर जाऊंगा मैं। गन मुझे दो। छोड़ो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? Thank you.
आपने बुलाया था डॉक्टर? देखिए बच्ची अब कभी बोल नहीं पाएगी, बच्ची को घर ले जा सकते हैं, इसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। आपको तो पता ही है डॉक्टर, इस बच्ची के माँ बाप एक्सीडेंट में चल बस हैं, इसका अब दुनिया में कोई नहीं है डॉक्टर। तो अब हम क्या करें? बच्चों खाने का टाइम हो गया, आ जाओ। ये चलो चलो चलो। ये लड़की कौन है? अच्छा सुन, खाने का टाइम हो गया है, चल ना। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम गीता, मेरा नाम वल्ली, अब से हम दोनों फ्रेंड्स। तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? अरे बेचारी, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही होता है, हम दोनों मिले ये भी उनकी इच्छा है। मैं सुन नहीं सकती, तुम बोल नहीं सकती, तुम्हारी इशारों की भाषा मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, तो आज से गीता और वल्ली एक ही होंगे। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारे लिए मैं हूँ और मेरे लिए तुम। खाओ खाओ खा ले, अच्छा है ना? मुझे पकड़ो। दीदी दीदी, वार्डन तुम्हें कब से बुला रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। एक मिनट रुको। आजा। नहीं सर, परसों मेरे पेट में दर्द हो रहा था। चल बैठ। तू यहाँ पर क्यों आई? तेरी सहेली है ना, तुझे भी किसी दिन बुलाऊंगा, अभी जा। पागल, मुझे पागल बुलाती है? गीता, चलो यहाँ से भागते हैं। अरे कोई है? अरे कोई है? पकड़ो, देखो दो बच्चियां भाग रही हैं, पकड़ो। उस कलमुआ के आँख में सिर्फ मिर्ची ही क्यों डाली? मैं तो उस कमीने को अपने पैरों के नीचे कुचल देती। उसके बाद क्या हुआ बताओगी? क्या?
क्या सर, कोई डायरेक्टर चांस नहीं दे रहा तो अनाथ आश्रम ज्वाइन कर रहे हो क्या? अरे मेरी जगह तू जाएगा क्या भूतनी के? तो यहाँ क्यों आए हैं सर? वो मेरा अनाथ आश्रम की एक्टिविटी को सीक्रेटली शूट करके फन क्रिएट करने का प्लान है। सर बिना परमिशन के शूट करेंगे ना तो लात मार के निकाल देंगे। छोटे बच्चों से बात करना आता है मुझे। यू जस्ट फॉलो मी, कम ऑन। अरे वाह 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 वाह, ये कहाँ आ गए हम? अनाथ आश्रम इतना सुंदर भी होता है क्या? हाँ सर। अरे तो सर शूट करो शूट करो। हाँ। एक छोटी लड़की चुपचाप बैठकर एक और लड़की के साथ पढ़ाई कर रही है। बेटा कैमरा पैन कर। वाह ब्यूटीफुल लेग, कैमरा ऊपर ले। हाँ? थोड़ा और ऊपर। हाँ? थोड़ा और ऊपर। वाह अरे वाह बहुत ही ब्यूटीफुल फेस। अबे मेरे छाती के बाईं ओर जो दिल है वो जोरों से धड़कने लगा। कोई बात नहीं सर, उम्र के साथ ऐसा होता ही है। इस चकोर को अपना चांद नजर आ गया है, इसीलिए तो इस लड़की की एंट्री हुई है। ये तो चांद जैसी है, पर आप चकोर नहीं हो सर। अपना सड़ा हुआ दो कौड़ी का मुंह बंद कर और फ्रेम पे ध्यान दे। थोड़ा ऊपर पैन कर। आप कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं हूँ जाजा मौली, मूवी डायरेक्टर। ये है मेरा असिस्टेंट गंसाली। पर डायरेक्टर्स को तो दाढ़ी होती है ना? वो दाढ़ी से बच्चा डर जाते है ना, इसलिए दाढ़ी निकाल दी बेटा। मुझे नहीं पता। हेलो, ये बात नहीं कर सकती है। पूछ रही है क्यों आए हो यहाँ? सॉरी बहन, अनाथ आश्रम के बच्चों को शूट करके हम फन क्रिएट करेंगे बस। अरे सबटाइटल चाहिए थे। क्या बहन जी क्या बोली? आप जैसे लोग यहाँ आकर माँ कहाँ है पापा कहाँ है ऐसे हजारों सवाल पूछते हो, है ना? लेकिन बाद में बच्चे उस बारे में सोचकर दुखी होते हैं। नहीं, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या बोली? हमारा कोई भी काम हमेशा यूजफुल होना चाहिए, किसी के दुख का कारण नहीं। हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट देने आए हैं। सॉरी सिस्टर, आप तो नाराज हो गई। बाय। चल सर। राहू काल में अंदर चले गए थे। आए पुष्पा, वो दीदी जिसने चश्मा पहना है उसका नाम क्या है? वल्ली। वल्ली पोश्री वल्ली, मैं जाज मल्ली, मिलकर करेंगे खली बली। खली बली शक्ल से तो उल्लू जैसा दिखता है, बड़ा आया। कंसाली मुझसे चलता है तू, मैं जानता हूँ। चल। जेलर ने मिलने के लिए बुलाया है, टाइम हो गया है, चले क्या? हमारे साथ चलोगी ना? चलूंगी, पर मेरी माँ का क्या? माँ, मेरी बच्ची। लक्ष्मी ये है गीता, अम्मा अनाथ आश्रम इनका ही है। आप चिंता मत कीजिए, आपके आने तक आपकी बेटी की जिम्मेदारी हमारी होगी, ठीक है? मैंने ऐसा कुछ किया है जो किसी को नहीं करना चाहिए। मैंने अपने पति को मार दिया और मेरे गुनाह की सजा मेरी बच्ची को मिल रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम आपसे मिलवाने लाते रहेंगे। इन दोनों के साथ जाओ बेटा। फिर तुम कब आओगी? तुम जाकर गीता के साथ खेलो, मैं बाद में आती हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
मेरा नाम है भगवान, लेकिन मैं आपका भक्त हूं प्रभु। जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और बेसहारों को सहारा दे सकूं ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है प्रभु। नमस्कार सर। नमस्ते। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू ये सब किसका आइडिया था और किसने अरेंज किया है ये सब? मैंने भैया। क्या जरूरत थी? मेरा बर्थडे मनाने के लिए मेरी तस्वीर के साथ फ्लेक्सी लगा दी और जिनके माँ बाप नहीं है ऐसे बच्चों को लेकर आ गए, लेकिन इन बच्चों के बारे में सोचा नहीं। मैं इनके सामने कैसे बर्थडे मनाऊं? सच कह रहे हो भैया। इन अनाथ बच्चों की मदद कर सकूं इसीलिए अनाथ आश्रम चला रहा हूं। इन सब में जो खर्चा किया है अगर आश्रम में दे देते तो अच्छा होता। ये बच्चे तीन वक्त का अच्छा खाना तो खा लेते। हैप्पी बर्थडे सर। अरे आप भी सर। हमारे लिए तो आप ही इम्पोर्टेंट है सर। अरे भाई मैं तो जनता का सेवक हूँ जी सर। हर एक क्षण हर पल हमें इनकी सेवा की सोचनी चाहिए, पर्सनल चीजों के बारे में। ओके सर। वैसे यहाँ आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते बेटा। आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं माँ जी? बोलिए क्या समस्या है आपकी? ये है मेरी पोती बेटा, इसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे। ये आगे पढ़े लिखे ऐसी मेरी इच्छा है। मेरे पास जो पैसे है उससे इसका कुछ नहीं हो सकता। ये पैसे रख लीजिए और इसे बड़ा आदमी बनाने में मदद कीजिए। ये पैसे आप अपने ही पास रखिए माँ जी, ये इसकी शादी में काम आएंगे। हमारे आश्रम में बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए हैं, ये अब हमारे साथ ही रहेगी। आ जाओ। इसका नाम क्या है? गौरी। गौरी यानी बप्पा की माता। अपनी दादी का नाम रोशन करना, ठीक है ना साहब? मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी तो वो जरूर देवी बन जाएगी। अगर अच्छा लगे तो लोगों को बताना और बुरा लगे तो सिर्फ हमें बताना। बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ का मालिक कौन है? मैं हूँ सर। तुम भी बहुत ओल्ड हो। सर मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आज का स्पेशल आइटम क्या है? वहाँ बोर्ड पर पढ़िए सर, यहाँ मेनू बता दीजिए सर और जहाँ चाहिए वहाँ जाकर बैठ जाइए। अच्छा उधर, इधर या इधर? पंच में भी राइमिंग जा रही है। पुलिस वाले को दे रहा है पंच लाइन, पंच खाएगा क्या? तेरे पास 2000 के नोट है ना? है ना सर। एक मिनट रुकिए सर, ये लीजिए सर। चेक कर। सर ये सारे नोट तो नकली है सर। सर ये बिल्कुल असली नोट है। हाँ ये तो नकली नोट है। इसका पेपर भी पतला है, चक्र भी आधा दिख रहा है और गांधी जी की स्माइल भी कम दिखाई दे रही है। सिर पर डॉट भी ज्यादा है, 8 की जगह पे 11 डॉट्स है। सर ये सारे ओरिजिनल नोट है। सर ये शक्ल से मुझे ना नकली नोट बनाने वालों का लीडर लगता है। सर ये तो कस्टमर्स के दिए हुए नोट है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए सर। किसने दिया ये जरूरी नहीं है, किसके पास से मिला ये जरूरी है। सर इसकी एक्टिंग देखकर मुझे बिरयानी पर भी डाउट आ रहा है, उसे भी टेस्ट कर ले क्या? सही बोला बे, आजकल ये होटल वाले मुर्गी और बकरे के बजाय कौवे और कुत्ते का मटन डाल के बेचते हैं। सर मेरी बिरयानी का इस शहर में बहुत नाम है सर। अगर आप बोले तो लेकर आता हूँ, आप टेस्ट करके देख लीजिए सर। टेस्ट करके वेस्ट नहीं करूंगा, लैब में टेस्ट करवाऊंगा। As you like, सर। अरे दुर्गा राव जी बताइए सर। दो चिकन बिरयानी पार्सल कर दो। मुर्गे की या मुर्गी की? दोनों को मिक्स कर दो। इस होटल की बाकी सारी चीजों को भी पार्सल कर दो, साथ में भेजा फ्राई। सर भेजा फ्राई छोड़कर जो आप बोलेंगे वो आपके लिए पार्सल कर दूंगा सर। क्यों? सर हमारे मालिक के पास भेजा ही नहीं है तो हम भेजा फ्राई कैसे बनाएंगे बताइए। क्या पंच मारा है, जल्दी मालिक बनेगा। थैंक यू सर। क्या खाना लेके आ जल्दी। क्या है जा अंदर जाके बोल। अरे एक डिश कम से कम दो दो बांधना। अरे जल्दी जा, जल्दी लाना। सर 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 अरे जल्दी लेकर आना। लाया, ये लीजिए सर। टेस्ट के लिए लीजिए सर। लैब रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि तू होटल में रहेगा या जेल में रहेगा। और अभी से 2000 के नोट को देख के लेने का। थैंक यू सर। थैंक यू।
हे भगवान, बच गया। सर खाना अच्छा लगा ना? अच्छा था, बिल ले लीजिए। हे भगवान, ये नकली नोट है, नहीं चलेगी। तुम्हें कैसे पता? सर वो क्या है ना, 2000 के असली नोट में 8 डॉट होते हैं, नकली नोट में 11 डॉट होते हैं, इसलिए ये नकली है। ये तुमसे किसने कहा? अभी जो यहाँ पर पुलिस आई थी, मेरे पास के नकली नोट ले गई और मुझे भगवान जी ने बचा लिया। अरे वो भगवान नहीं, चोर थे। तुम ऐसा बोलने वाले कौन हो? मैं बैंक मैनेजर हूँ। 500 के नोट में, 100 के नोट में और 200 के नोट में 8 डॉट होते हैं, पर 2000 के नोट में 11 डॉट होते हैं। कहाँ चला गया वो? 2000 की नोट भी गई, कस्टमर भी गया। मैंने ऑलरेडी तुम्हें कितनी बार कहा है, हम वो लिस्ट तुम्हें नहीं दे सकते। अगर तुम्हारी बात मान ली तो हमें हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा। आखिरी बार कह रही हूँ तुम्हें, यहाँ आने वाली शादीशुदा जोड़े को अगर डॉक्टर ने कह दिया कि उन्हें बच्चा नहीं हो सकता, तो वो तुरंत डॉक्टर बदल देते हैं और अलग अलग तरीकों से बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। प्लीज मैडम, तुम्हारे प्लीज बोलने से क्या होगा? ये कोई होम लोन या पर्सनल लोन नहीं है जो कि आसानी से हो जाएगा। कोई गोद लेना नहीं चाहता। कितनी भी मुश्किल हो, कोई बात नहीं मैडम। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, पर मेरे और आप जैसे लोगों के होते कोई भी अनाथ नहीं रहना चाहिए। अगर हम मिलकर कुछ अच्छा करेंगे तो आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर मिलेगी। पूरी जान लगाकर कोशिश करें तो हम एक नई दुनिया बना सकते हैं मैडम। आप एक डॉक्टर की तरह मत सोचिए, एक बच्चे की माँ के जैसे सोचिए। इतने सारे अनाथ बच्चों के लिए अगर आप जैसी एक भी माँ मिल गई तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा मैडम। इस अच्छे काम के लिए मुझसे जो हेल्प होगा मैं करूंगी। थैंक्स मैडम। हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन के बारे में ना सोचकर मैं तुम्हें ये डेटा दे रही हूँ। ये उन कपल की लिस्ट है जिन्हें बच्चा नहीं होता, ये तुम रख लो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। थैंक यू डॉक्टर। तुम लोग कौन हो? अनाथ बच्चों को गोद लेने के बारे में ये आपसे कह रही है? मेरा कोई बच्चा नहीं है, ये तुम्हें किसने कह दिया? अब मैं समझी, ये काम मेरी बूढ़ी सास का ही होगा। अभी जाकर पूछती हूँ उससे। सासू माँ, ओ सासू माँ! क्या रही, इतना क्यों चिल्ला रही है? मेरे बच्चे नहीं हो सकते, इन्हें तुमने बताया ना? मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता चल जाएगा कि तू सच में बांझ है तो मेरे बेटे की किसी और से शादी करवा के तुझे घर से निकाल दूंगी। मेरे पति की किसी और से शादी करवाएगी, उससे पहले मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। छोड़, निकल यहां से। मुझे मारेगी, मुझे मारेगी। ये नहीं सुनने वाली, चलो यहां से। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, इस सोच को 10 लोगों को बताना भी अच्छी बात है, पर इसे फॉलो करना आसान नहीं है। अगर इस सोच को आप फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा। आप जैसे बड़े लोग अगर एक अनाथ बच्चे को गोद लेंगे तो बहुत सारे लोग भी इस सोच से इंस्पायर होकर बच्चों को गोद लेना शुरू कर देंगे, और फिर हमारे इस देश में कोई भी अनाथ बच्चा नहीं रहेगा। सो क्या कहा? मेरी बहन को अनाथ बच्चा गोद लेने को कह रही है? हा? बच्चा पैदा करने के बहुत तरीके हैं, पता नहीं किसका बच्चा है, कहाँ का बच्चा है, कौन से गोत्र का है, कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, ये जाने बिना कैसे गोद ले लें? किसी की जात जाने बिना किसी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, और तुम बोल रही हो किसी का भी बच्चा घर ले आए? आप भी ना जीजा जी, किसी भी अरे गहरे को आप घर में बिठा लेते हैं। ए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना थक्के मार कर यहाँ से निकालेंगे। ये क्या है जीजा जी, आपसे कितनी बार कहा है, ऐसे लोगों को घर में क्यों घुसाते हैं? अगर आपको बच्चा ही चाहिए ना तो आप मुझे बताइए, मैं बहुत से डॉक्टर्स को जानता हूँ, दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं ना, बिना बात किए क्यों किसी को घर में घुसने देते हैं? दीदी, माँ ने बोला था वो यहाँ आएगी, तो फिर माँ कब आएगी? दीदी, हमारे पास मम्मी पापा क्यों नहीं है? क्या हम इतने बुरे हैं?
अगर तुम इतने बुरे होते तो इस दुनिया में जन्म लेकर इस गीता दीदी के पास कभी नहीं आते। अगर हम सच में बुरे नहीं हैं, तो हमारे माँ और पापा हमें कचरे के डिब्बे में क्यों फेंक के गए दीदी? आसाम में भी ऐसे ही किसी ने ज्योति नाम की लड़की को फेंका था। आज वही लड़की असिस्टेंट कमिश्नर है। हम तुम सबको एक अच्छे माँ बाप के पास भेजेंगे। जाओगे ना तुम लोग? हम कहीं नहीं जाएंगे दीदी, हम यहीं अनाथ आश्रम में रहकर आपकी कही बात मानेंगे और बाकी बच्चों का ध्यान रखेंगे। अनाथ बच्चे कम हो जाए इसी बात की कोशिश में लगे हैं हम, और तुम यहीं रहकर उसे बढ़ाना चाहते हो? अगर दोबारा ऐसा कुछ कहा ना तो दीदी पनिशमेंट देंगी। सॉरी दीदी। तू है मेरी प्यारी, आ गया मैं। गेट बंद कर देता हूँ। सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? कहीं यहाँ पर फ्री में खाना तो नहीं मिल रहा? आप डायरेक्टर नहीं बन पाए इस गुस्से में? यहाँ पर कुछ तो मतलब सर, यहाँ पर कुक बनकर ज्वाइन कर रहे हो क्या सर? अरे गंसाली सर, देख अभी मैं रोमांटिक मूड में हूँ, इसलिए तेरी बकवास बातें भी फूल जैसी लग रही है। चल अंदर चल। यही कहीं होनी चाहिए, कहाँ चली गई, दिख नहीं रही है। सर सर, ये कैसे कैसे गंदे इशारे कर रहे हो? खाना खाने के लिए बुला रहे हो या फिर उसे खाने के लिए? अब मेरी वल्ली का देखो, साइड एंगल से बिल्कुल काजोल लगती है और फ्रंट से बिल्कुल ऐश्वर्या। बैंगन दिखती है सर, करेला दिखती है सर, बिल्कुल कद्दू दिखती है सर। अबे तेरा मुंह है कि गोबर, फल फल से कंपेयर करना है? हाँ बिल्कुल तरबूज दिखती है सर। तरबूज तेरे खोपड़ी पे मारूंगा। ये तो बिल्कुल पपाया लगती है। ए मेरी नारंगी, हाय। एक्सक्यूज मी सर, आज तो ये लात खा के रहेगा। वल्ली आई, आई मेरी मौसम्बी। हेलो सर, हाय सर। हाय, आपको जो भी चाहिए ऑर्डर कर दीजिए सर। मुझे तुम चाहिए, आई लव यू। सर आपको जो भी चाहिए ऑर्डर कर दीजिए। मैंने बोला था ना ये लड़की मेरे प्यार को समझ जाएगी, बाकी किसी को पता ना चले इसलिए सुन के अनसुना कर रही है। बोला था ना गंता? नहीं देखा सर। देखा सर, देखा सर। सर आप भी खाने का ऑर्डर करके कवर कीजिए। गुड आइडिया। हाँ, हमारे लिए दो चिकन बिरयानी और दो कोल्ड ड्रिंक्स। ओके सर। बिरयानी ऐसी। हैव अ गुड डे सर। अरे ये क्या है सर, बिरयानी और थम्सअप के बदले कर्ड राइस और चाय देकर चली गई? तू समझा नहीं गंसाली, ये मेरी वल्ली का प्यार है मेरे लिए। गर्मी में बिरयानी खा के कहीं मेरा पेट ना खराब हो जाए, इसलिए मुझे ठंडा करने के लिए दही भात लेकर आई है। तो चाय क्यों सर? दही भात खा के सोना जाऊँ इसलिए चाय लेकर आई? कितना प्यार करती है मुझसे। सर मुझे ना एक डाउट है सर। अरे ओ गंसाली स्वामी, प्यार में संदेह नहीं करते बालक। अब दही भात में चाय मिला या चाय में दही भात, पर इसे फटाफट ठूस जा, इसे प्रेम का प्रसाद समझ। जो आज्ञा स्वामी। ये किस तरह का प्यार है? मुझे ये प्यार नहीं अत्याचार लगता है। गंसाली स्वामी, मेरी वल्ली किधर गई? आधे घंटे पहले पीछे के दरवाजे से निकल गई। तूने बताया नहीं कि मेरी वल्ली चली गई? यहाँ बैठ कर भगा भग दही और चाय ढूंढ रहा है स्वामी। तूने मुझे उल्लू का पट्टा समझा है क्या? नमस्ते साहब। हाँ कल मिलते हैं। जी ठीक है। बेटा क्या हुआ माँ जी, आपको पैसे चाहिए क्या? मेरी पोती गौरी कहीं भी मिल नहीं रही है, पुलिस को बताया फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा। क्या गौरी लापता हो गई? मुझे एक मिनट दीजिए। हाँ ऐसा ही, हमारे आश्रम से गौरी नाम की लड़की लापता हो गई है, उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर मेरे आश्रम में ले आओ, नहीं तो मुझे एसपी को फोन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, बात कर ली है मैंने, आपकी पोती गौरी जल्दी ही मिल जाएगी। आप एक मिनट, ये पैसे रखिए। अरे मना मत कीजिए माँ जी, खर्चे के काम आएंगे, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। अब जाइए, गाड़ी स्टार्ट करो।
बेटा गीता तुम कहां पर हो? तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। नरेश की हालत बहुत खराब है गीता। सॉरी बेटा, नरेश के साथ भगवान ने अन्याय किया है। पहले मां बाप को दूर करके उसे अनाथ बना दिया और अब नरेश की जान ही ले ली। अब जो मर गया है उसे जिंदा तो नहीं कर सकते, पर उनके ऑर्गन्स डोनेट करके उनकी बॉडी से कई लोगों की जान बचा सकते हैं। अब नरेश के पास यही मौका है, तुम भी एक बार ठीक से सोच लो। हाँ इधर बाबू, इधर आओ। वही है जिसके बारे में बताया था ना कि हार्ट प्रॉब्लम है, यही है वो लड़की। नरेश की वजह से इसकी जान बच सकती है, अगर तुम इसके लिए मान जाओ तो जरा सोचो। किसी की जात जाने बिना किसी के घर का पानी भी नहीं पीते। ए, चुपचाप यहां से निकल जाओ वरना धक्के देकर यहां से निकाल दूंगा। सर क्या हुआ? बिना जाति जाने पानी भी नहीं पीते ना? नरेश एक अनाथ है, पता नहीं कहां जन्मा है, पता नहीं किसके यहां जन्मा है, किस जात का है, किस धर्म का है ये भी नहीं पता। ऐसे बच्चे का दिल आपकी बेटी को चलेगा सर? मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में मैं आपको बहुत कुछ बोल गया। मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज बचा लीजिए। डॉक्टर मेरी बेटी को बचाने के लिए कहिए ना। अभी कहिए। उस दिन मैंने आपको अपने जीजा जी के घर से निकालने की बहुत बड़ी गलती की, उसकी सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। प्लीज मैडम मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज रहम कीजिए मुझ पर। मिनट और रुकते हैं ना? पांच मिनट क्या, पांच दिन भी रुकेंगे ना तो भी कोई नहीं आएगा। अनाथ आश्रम पर कोई ध्यान नहीं देता, आज तक नहीं दिया आगे क्यों देंगे? सब वैसे ही है, हमारी कोशिश वेस्ट हो जाएगी। वल्ली अगर हम ही हार मान गए तो इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा बताओ? मैं भी तो वही कह रही हूँ, जो नहीं आने वाला उसका इंतजार करके जॉब चली जाएगी, भूखे मर जाएंगे हम। और बच्चों को खुश रखने के लिए हमें जॉब तो चाहिए ना। चलो चलते हैं। मैडम मैडम, अम्मा अनाथ आश्रम यही है ना? जी हाँ यही है अम्मा आश्रम। हमने उस दिन आपकी बात सुन ली थी। जिनके बच्चे नहीं हैं वो अनाथ बच्चों को गोद लेकर हमारे अनाथ आश्रम को खाली कर देंगे ऐसा सोचा था, पर कोई भी नहीं आया। दीदी हमें अपने बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उस दिन आपकी बात सुनकर हमने एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का फैसला किया है। मेरी बीवी बचपन से ही अनाथ थी, इसका जीवन बहुत कष्ट में बीता है। मैं जानता हूँ आप हमारी मदद करेंगी बच्चा गोद लेने में। देखो दीदी हम अंधे ही सही, पर बच्चे को देने वाली हमारी परवरिश पर शक मत करिएगा, या फिर हम जैसे लोगों को आप बच्चे देते ही नहीं हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे बड़े दिल वाले लोगों को हम भला मना कैसे कर सकते हैं? सब अगर आपकी तरह सोचें तो अनाथ आश्रम की कोई जरूरत नहीं। इनके जैसा बड़ा दिल हमारे पास तो नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज अगर मेरी बेटी जिंदा है तो उसका कारण आप हैं, आपने ही उसकी मदद की।
आपकी वजह से आज मेरा परिवार बहुत खुश है। यही खुशी मैं अपनी बहन और जीजा के लिए भी चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। आपने मदद की है इसलिए हम ये फैसला नहीं ले रहे हैं। हम लोग सिर्फ माँ बाप बनने के लिए ही बच्चे को गोद नहीं ले रहे हैं, कोई हमारे साथ प्यार से रहे इतना ही काफी है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। देखो बहन, अनाथ आश्रम को खाना दूं, राशन दूं, सुरक्षा दूं, यह सब मेरा काम नहीं है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। 2 साल से मैं तुम्हें यही बता रहा हूं पर तुम समझती ही नहीं। लगता है जबान के साथ तुम्हारे कान भी गए। जवानी के जोश में होश खोकर कुछ लोग बच्चा पैदा करके रोड पर फेंक देते हैं और तुम ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कह रही हो। अब वो चाहे जिंदा रहे या मर जाए, वैसे भी वो हमारे देश के किस काम के। सुनो, एक बुढ़ी औरत के जैसा मत सोचो, तुम जरा अपनी जवानी के बारे में भी सोचो। अगर मैं बोल पाती तो तुम्हारी मां से पूछती कि तुझ जैसे नीच को जन्म ही क्यों दिया। इस गूंगी में बहुत जोर है, इसका जोर मैं निकाल के ही रहूंगा। अरे बाइक तो रुक रुक कर चल रही है, कहीं पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया, चेक करना पड़ेगा। दिल्ली में अपना काम नहीं बना तो मुंबई आ गए और यहाँ कर भूखे मर रहे हैं, रोज लोगों को ठग रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा सर? अपना धंधा कब शुरू होगा? हमें ये काम तब मिलेगा जब हमारा कार्य खत्म होगा। हमेशा यही बोलते हो। तेरी भूख मिटाने के लिए मुझे एक बकरा मिल गया। हा? चला जा। अबे एक महीने से रोज एक रोज पकड़ के खड़ा रहता है, वो भी मुंह से लाल टपकाते हुए। इधर ही सिल्वर जुबली बनाएगा क्या? उससे अच्छा सीधा जाके उसे आई लव यू बोल, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप कौन है सर? तेरे को इससे क्या करने का है? पहले आई लव यू बोल ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। पक्का ना सर? अरे कोई शक है क्या? आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे लगा नहीं था कि मान जाओगी। मैं तो तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रही। पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गुरु जी काम हो गया? मार क्यों रहे हो सर? हमारे सामने लड़की को छेड़ता है, बस स्टॉप पर भी लड़की को छोड़ेगा नहीं। आप कौन होते मारने वाले? ए, मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस में हो? डोंबिवली पुलिस, कल्याण पुलिस तो यहाँ आती नहीं, मुंबई पुलिस यहाँ पर कहाँ से आ गई? तुझे लॉजिक चाहिए या लड़की चाहिए? लड़की चाहिए। जेब में कितने? 1000 रुपए। ला देना। ये पकड़। बैंड स्टैंड जाकर किसी पत्थर के पीछे बैठ के, नहीं तो बेंच पर ही बैठ के मूंगफली खा लेना। 100 रुपए की क्या जरूरत है, पैदल चले जाएंगे। वेरी गुड, प्यार अंधा होता है प्रूव कर दिया तूने। चल निकल, कभी जरूरत पड़े ना तो मुझसे मिल लेना। मिलने के लिए कहाँ आना पड़ेगा सर? 24/7 इसी बस स्टॉप पे खड़ा रहता हूँ, पैसे लेकर हर काम करता हूँ, तू बोले तो भगा के शादी करवा दूंगा। दुनिया में ठगों की कमी ही नहीं है। हाय मैडम। कुरियर मैडम। हमारे अनाथ आश्रम का ही एड्रेस है ना, कुरियर किसने भेजा? गीता मैडम को ये बॉक्स देने को कहा है। पहले देखने दो अंदर क्या है। ए, सच बताओ ये पार्सल किसने दिया? क्या है ये पार्सल? अम्मा अनाथ आश्रम में देना है। इसके अंदर क्या है? कपड़े हैं। वहाँ पर एक गीता नाम की लड़की है, उसी को दे देना। 500 रुपए लगेंगे। पैसों के लिए कुछ भी करोगे तुम? सॉरी मैडम, इस बॉक्स में बच्चा है पता नहीं था, लगा कि कपड़े हैं। नमस्ते गीता दीदी, बिना किसी पते के ये लेटर लिख रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना। मैंने एक लड़की को जन्म दिया इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। एक अकेली औरत असहाय होती है, मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मरने का फैसला लिया है। मैं अपने हाथों से अपनी बेटी की जान भी नहीं ले सकती, इसलिए आपके हाथ में सौंप कर जा रही हूँ। हो सके तो मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। एक अभागी औरत, उसने कुछ सोच के ही बच्ची हमारे पास भेजी है, हम इस बच्ची को भी संभाल लेंगे, है ना? ये बच्ची तुम्हारी और मेरी तरह अनाथ नहीं है, इसके माँ बाप हैं। इसकी माँ को ढूंढ कर इसके पापा को मनाएंगे और इस बच्ची को उन्हें सौंप देंगे। चलो, लेकिन कहाँ पर? पुलिस स्टेशन चलते हैं।
तुम भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। सॉरी मैडम, मुझे अर्जेंट डिलीवरीज देनी है, वो देते ही आ जाऊंगा। तो हम चले। बच्ची की माँ को ढूंढने में हमारी हेल्प कीजिए सर, प्लीज। देखिए बहन जी, इसकी माँ को कोई नहीं जानता। बच्ची की शक्ल देखकर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे माँ की पहचान हो। अगर हमें इस बारे में कुछ भी पता चला तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। हेलो गीता, हमें एक औरत की लावारिश बॉडी मिली है। अगर वो कुरियर बॉय पहचान ले तो उस बच्चे की माँ ये है नहीं कंफर्म हो जाएगा। क्यों रे, ये औरत ही उस बच्ची की माँ है क्या? हाँ सर, ये वही है जिसने मुझे बॉक्स दिया था। ए पागल आदमी, वहाँ तेरी बीवी की डिलीवरी हुई है, तू यहाँ बैठ के दारू पी रहा है? बेटा पैदा करती तो खुशी खुशी उसे घर लेकर आ जाता। बेटी पैदा की है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अब पूरी जिंदगी नहीं देख पाओगे। ये किसकी बच्ची है बेटी? आप इसकी नानी हैं। मैं इसकी नानी नहीं, मैं इसकी परदादी हूँ। ए रंगा, देख अपनी बेटी को। ए, बाहर फेंक दो उसको। मार क्यों रही हो मुझे? मारना नहीं, मार देना चाहिए। तेरे जैसे लोग ही बच्चा पैदा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तेरी बीवी ने बच्ची की जान लेने के बजाय अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। अरे अभागी, जब किसी को बेटी होती है तो माँ ने जन्म लिया है ऐसा कहते हैं। तू इतना निकम्मा है, अगर पता होता तो तेरे घर में बेटी जन्म ही नहीं लेती। इसके जैसों को जेल में डालकर अच्छे से ठोकना चाहिए। नहीं सर, एक अनाथ बच्ची को पालना इस समाज के लिए बहुत तकलीफदायक है। इसे बंद मत कीजिए सर, प्लीज। एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो ये इसकी बेल दे देगी, पर अभी आप इसे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। ओके, मुझे माफ कर दो बहन, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं अपनी बेटी को मरते दम तक संभालूंगा बहन। बच्ची को घर मिल गया ना, तो अब खुश हो जा। तू परेशान क्यों दिख रही है? नहीं वल्ली, बहुत से नवजात बच्चे हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन में कटकर मर जाते हैं, नहीं तो गटर में मारकर फेंक दिए जाते हैं। हमें उन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? आश्रम का नंबर है ना? कोई रेलवे स्टेशन के पास में एक बच्चे को छोड़कर गया है। कौन है?
है। बैंगलोर से आए इस वीडियो से हम भगवान का असली रूप दुनिया के सामने ला सकते हैं, पर उसके लिए हमें और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। भगवान बच्चों को कहाँ रखता है, उनके साथ क्या करता है, अगर हमें इतना भी पता चल जाए ना तो हम जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करवा सकते हैं। शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में मैंने भगवान को जाते हुए देखा था। मैंने अंदर जाने की भी कोशिश की पर मैं वहाँ जा नहीं पाई। मुझे शक है बच्चों को उसने वहीं रखा होगा। डोंट वरी, एक जर्नलिस्ट होने के नाते वहाँ तक कैसे पहुँचना है ये मैं जानती हूँ। अभी के अभी वहाँ जाकर मैं पता लगाती हूँ। तू बचकर नहीं जा सकती। रुक जा, रुक जा, ए लड़की रुक। सर। गौरी। सर। हा? ये लोग मुझे अनाथ आश्रम से बेहोश करके मुझे यहाँ ले आए। मुझे इनसे बचा लीजिए सर। ये रुको। ठीक हो बेटा? सर मैं अपनी दादी के घर चली जाऊं क्या? ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, जाओ। थैंक्स सर। देख कैसे भाग रही है ये, जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने के लिए भागता है। जी भाई। पता लगाना मुश्किल है। ए डॉक्टर। सर। जितने भी ऑर्डर आए हैं उनका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है ना? हो रहा है सर, इनमें से दो बच्चों का ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है। हाँ। सर ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ रेडी। हाँ। है, टाइम पर डिलीवरी हो जाएगी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ये बदबू कहां से आ रही है? ए क्या है रे, कचरा अब तक नहीं फेंका, बास मार रहा है। आजकल पुलिस का लफड़ा बढ़ गया है भाई, आप एसीपी से बात करें तो शायद कुछ हो जाए। मैं संभाल लूंगा। ठीक है भाई। हम लोग तो शहर से भी बच्चे लाए हैं ना, और वो लोग 2-3 साल से यहीं रह रहे हैं। कोई डील हुई है क्या? अच्छी डील नहीं मिल रही है भाई, ध्यान रखूंगा। आज तो मैं अपनी वल्ली को प्रपोज करके रहूंगा। ठीक है सर। गंजाली तू अपनी हरकतों से मेरे प्लान की धज्जियां मत उड़ाना। सर उसे पटाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो मुझे दिख रहा है, फिर धज्जियां कैसे उड़ाऊंगा सर। चलो सर हम उसे हमारे प्यार के बारे में बताते हैं। हमारा प्यार नहीं गंजाली, मेरा प्यार समझे, मेरा भंडारा नहीं बट रहा है कि मुफ्त में खाने आ रहा है। जानता है वो क्या है? सर 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 वो लड़की तेरी भाभी है। ओके आपके प्यार के बारे में आप ही बात कीजिए, पहले अंदर तो चलो सर। वल्ली कहाँ मेरी श्री वल्ली? आ गया मैं वल्ली, कहाँ गई मेरी वल्ली? वहाँ है। मैं हूँ जाजा मौली, तू है मेरी वल्ली। अगर हम दोनों मिल गए तो मिल के खेलेंगे होली। बिना नखरे के कर लो शादी, मचा दो खलबली। आई लव यू बोलो वल्ली। तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मजाक मत करो, रेस्टोरेंट में जब बोला था तब तो मुस्कुरा रही थी, तब क्यों नहीं कहा कि सुनाई नहीं दे रहा है? चलो आई लव यू टू बोलो। उसे सच में सुनाई नहीं देता। तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं पहले से ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप समझते ही नहीं हो, मुझे पहले से डाउट था, अब जाके मेरा डाउट क्लियर हुआ सर। ये कुछ ज्यादा ही डाउट होता है करमचंद जासूस, तेरी सर, तो मैं देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सुन भले ही ना पाओ मेरी आंखों को, समझ लो उनमें तो तुम्हारे लिए प्यार है ना। आई लव यू। ये तुझसे प्यार करता है और दिखने में भी अच्छा लड़का लगता है, अगर तूने इससे शादी कर ली तो तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हाँ बोल दे वल्ली, मुझे प्यार नहीं चाहिए। हाँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, बचपन से लेकर आज तक हम दोनों साथ बड़े हुए, अब एक दूसरे को जानने के बाद तुमसे अलग कैसे हो सकती हूँ? गीता को वल्ली से अलग मौत ही कर सकती है, बस कोई प्यार व्यार नहीं।
चलो हटाओ उसे। ए हटो चल और फेंको उसे। अरे कितनी बार बोला जगह खाली करने के लिए, अभी तक खाली क्यों नहीं किया? अब ये जगह हमारी है। ये रहे डॉक्यूमेंट्स। दो दिन का वक्त दे रहा हूँ इन बच्चों को, इस कचरे को, और ये आश्रम खाली चाहिए मुझे। अगर खाली नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। हमारी जान भी चली गई तो भी ये खाली नहीं होगा, और बच्चों को कुछ भी नहीं होने देंगे। बच्चे मर जाएंगे तब खाली करेगी क्या? ओए गुंडे, तुझे क्या लगा लड़कियों के पीछे कोई मर्द नहीं खड़ा है? मैं हूँ ना सर। हाँ। पीछे खड़े रहने से क्या होगा, आगे जाकर बात करो ना। जाइए ना सर। आगे जाऊँ क्या? और नहीं तो क्या? तड़ियलो, अब तू सीधे मुझसे बात कर। इनको हाथ लगाने से पहले मुझसे गुजरना होगा। ये चूसा हुआ आम यहाँ कॉमेडी कर रहा है, छोड़ो, जाने दो। अगर खाली नहीं किया तो बताऊंगा। चलो रे। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से घर के ओनर से ही मिलना बेटर होगा। इन गुंडों से लड़ने की ताकत नहीं है। अब तक ये आश्रम तुम्ही ने चलाया है बेटी, आगे भी तुम ही बढ़ो। इन अनाथ बच्चों को बचाओ, तुम ही कोई रास्ता निकाल कर इनकी रक्षा करो बेटी। इस काम में थोड़ी बहुत कमीशन लेकर अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो कॉर्पोरेटर है। अब तक तो तुम सुरक्षा मांग रही थी, लेकिन अब तो तुम सीधा घर मांगने आई हो। तुम्हें पता है उस घर की कीमत 2 करोड़ है। मेरा कमीशन है 20%, मतलब 40 लाख है क्या? तो फिर यहाँ क्यों आई हो? किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है? तुम्हारे लिए आधी कीमत में कर दूंगा। पैसे नहीं है पर काम हो जाना चाहिए। अगर सच कहूंगा तो पेपर निकालोगी, गाली लिखोगी और चली जाओगी, है ना? तुम अपनी इन्हीं नटखट नजरों के साथ एक रात मेरे साथ गुजारो, उसके बाद यह जगह तुम्हारी हो जाएगी। सोच कहीं मजा आ रहा है ना? ये देखो, जो तुम्हें चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर क्या हुआ? फिर से गाली लिख रही हो? उस आदमी ने तुम्हें कहाँ बुलाया था? तुमने उससे आखिर एड्रेस ही क्यों लिया? क्या तुम सच में उसके पास गई थी? तुम जवाब नहीं दे रही हो, इसका मतलब तुम उसके पास गई थी, है ना? छी छी, इसे देखकर तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि ये किस तरह की लड़की है? वो हम जानते हैं, पर बच्चों के प्यार के लिए हो सकता है इसने ऐसा किया हो। चुप कर, नहीं तो सबका चिप्स की जैसे चूरा कर दूंगी। साइलेंट रहो सब। गीता, तुम नहीं गई ना? भी तुम्हारे साथ आती हूँ। hey, एक बिस्किट देना। पैसों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैडम यहाँ रोक दूँ? फेंकू क्या? फेंक दिया। Hmm?
हमारा अम्मा अनाथ आश्रम कॉर्पोरेटर के कब्जे में है। आश्रम को बचाने के लिए मुझे गेस्ट हाउस बुला रहा है, हेल्प चाहिए प्लीज। ठीक है, लेकिन पैसे लगेंगे। कितने बोले तो उन गुंडों की रेंज कितनी मजबूत है उस हिसाब से दूंगा, काम के बाद बताऊंगा। इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं, लगता है आ गई। हाँ आ रहा हूँ, वेलकम। कौन हो तुम? हट रहे ने के लिए बोल रहा, जाके कॉर्पोरेटर को बुला। मैं ही हूँ कॉर्पोरेटर। तू ही है तो ला माचिस दे। क्या कहा, माचिस? अबे तू बोला ना कॉर्पोरेटर है, पब्लिक के काम में कॉर्पोरेट नहीं करेगा क्या? वो आने ही वाली है और ये इधर लफड़ा करने आ गया। अब माचिस लेकर आ। ये क्या, अपने वोटर के साथ खड़े खड़े बात करेगा? अरे तुम खड़े क्यों हो, आओ बैठ जाओ। टांग पे टांग रख के बैठ गया। हेलो सर। क्या है ये, बाहर नो स्मोकिंग बोर्ड नहीं देखा क्या? इसीलिए तो अंदर बैठ के पी रहा हूँ। यहाँ क्या फूकने आया है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुझसे पर्सनली बात करनी थी। पर्सनली बात करना है तो मॉर्निंग में आना, अभी नहीं। कहाँ पर मिलेगा? एड्रेस दे, आ जाऊंगा। हाँ लगता है इसे उसी ने भेजा है, अभी इसे बताता हूँ। देख क्या रहा हूँ, मारो इसे। आजा, हिम्मत है तो मार। मार खाने के लिए एक एक करके क्या आ रहे हो, सबके सब एक साथ आ जाओ ना। तू जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तू जाना। ठीक है फिर, तुम लोग ऊपर नहीं आते तो मैं ही नीचे आ जाता हूँ, चलेगा ना? निकल जाएंगे भाई, शादी नहीं हुई है। शादी के बाद वैसे भी गिर जाएंगे। अबे उसे मारा, तू क्यों गिरा? मार खाने के बाद फिर भी गिरना है ना भाई। तेरा लॉजिक अपने को मस्त लगा। मेरे को मारने के लिए चाकू लेके आया है? डॉक्यूमेंट्स। मामा डॉक्यूमेंट्स दिया फिर भी क्यों मारा? डॉक्यूमेंट्स लिया ही क्यों, फिर मिलेंगे। बिल्कुल मत मिलना। उसने इतनी इजीली डॉक्यूमेंट्स दे दिए? इस तरह के काम कभी इजी नहीं होते, एक पावरफुल पॉलिटिशियन के साथ तो कभी भी नहीं। तो फिर आपको कैसे दे दिए? 10 मिनट मसाज किया तो दे दिए। वो जो भी हो सर, डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए, थैंक यू। क्या है, चिल्लर के लिए मैंने इतनी मेहनत की है क्या? आगे से कोई भी काम हो ना तो फोन करना,
लेकिन कैश अरेंज करके रखना। गौतम की याद में रखी रिंग तूने उसे क्यों दे दी? गौतम की दी हुई चीजों को दे देने से मेरे मन में बसी उसकी याद कभी नहीं मिट सकती। वल्ली, श्रीवल्ली। मैं समझ गया, तेरे पास दिमाग नहीं है, अकल नहीं है क्या? तो इंसान है कि गधा है, भगवान है कि शैतान है, लोमड़ी है या सियार है? ऐसा ये घूर के बोल रही है। ऐसा इसने कब बोला? वो बोले उसके पहले मैंने ही बोल दिया सर। तुमने कल ही बोला था ना, तुम फिर से आ गए। मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। आज मैं प्यार की बात करने नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हो? मैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा कि सब लोग तुम्हें अपने टीवी पे देखेंगे। देखो तुम लोग मेरी फिल्म में एक्टिंग करोगी और तुम्हारे अनाथ आश्रम को फंड मिल जाएगा, समझी? तुम्हारा प्लान मैं समझ गई। डॉक्यूमेंट्री के नाम पर लाइन क्लियर कर रहे हो, है ना? हम एक्ट नहीं करेंगे। ओ, प्यार अलग प्रोफेशन अलग। एक बार कॉन्सेप्ट सुन लोगी तो मना नहीं कर पाओगी वल्ली। शहर में बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद पड़ गई हैं। बहुत सारे लोग जो उसमें काम करते थे सब के सब बेरोजगार हो गए हैं। अपने परिवार को दो वक्त का खाना खिलाना भी मुश्किल हो गया है। इन फैक्ट्रीज को अगर गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया जाए तो ये रीओपन हो जाएंगी और बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा। अगर भगवान की फैक्ट्री में एंट्री मिल जाएगी फिर पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है। कैसा लगा मेरा कॉन्सेप्ट? यस, कॉन्सेप्ट सुन के अच्छा लगा ना? लोकेशन फाइनल होते ही शूटिंग स्टार्ट। ओके, मैडम शॉट रेडी। मैडम ये है फैक्ट्रीज के डायलॉग। डायलॉग आपको बोलना होगा, एक्शन बोलते ही शुरू हो जाना है और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। रेडी सर, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। सिटी में बहुत सी फैक्ट्रीज बंद होने से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन कष्टकारी हो गया है। शॉर्टकट, ओके, बैक अप। ये क्या बोल रही है? इसका बैग अंदर रह गया है। मैं लेके आ जाऊं? ओके, कोई बात नहीं, आप लोग निकलिए, हम लोग ले आएंगे। ओके। Ah!
वल्ली! दीदी, वल्ली को क्या हुआ? क्या वल्ली जिंदा है? गीता को वल्ली से अलग मौत ही कर सकती है, बस कोई प्यार व्यार नहीं। सर, तुझे पैसे इसीलिए देता हूँ कि तू मेरे ही आदमियों का अरेस्ट करे। सॉरी सर। अब वहाँ पर पहुँच गया ना, तो उस लड़की को निपटा दे। नहीं कर सकता सर, ये इशू एसपी तक पहुँच गया है। अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो फिर तू वहाँ है क्यों? टेंशन मत लीजिए सर, मैं ये सब मैनेज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले पहले जो आए हैं उन्हें वापस भेज। ओके सर। सर, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ आने पर अरेस्ट कर सकता हूँ, पहले आप यहाँ से निकलिए। सर, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है ऐसा ये कह रही है। हम अपनी ड्यूटी कर लेंगे, आप लोग यहाँ से जाइए। सुनो गीता, यहाँ रुकना सही नहीं है, हमें निकलना होगा। ओके बुरा मत मानो, एक बार जो चला गया वो दोबारा लौट के नहीं आता। बुरा मानने की क्या बात है, बचपन से ही माँ बाप चल बसे, और वल्ली 2 साल पहले मेरे लिए गौतम मेरी जिंदगी था, पर ए, जाकर पढ़ाई कर। देखो ना पापा, जब देखो मुझे ये डिस्टर्ब ही करता रहता है। छी, क्या रे, सिविल का एग्जाम देना है और तू सिनेमा देख रहा है? सिविल में सिनेमा का भी पूछते हैं पापा, आजकल किसी भी सब्जेक्ट पे सवाल पूछते हैं। गौतम ये लो। अरे डोसा बनाया है। थैंक्स माँ। कॉफी लाने के लिए बोला था वो तो लेकर आई नहीं, और इसे छोटे बच्चों की तरह खा ले खा ले कह रही हूँ। ये क्या अकेले इसके लिए बनाया है, पूरी कॉलोनी के लिए बनाया है? बच्चा है, नजर मत लगाओ जी, अब उतारनी पड़ेगी। आधी रात को रोड पर कुछ युवकों ने नशे की हालत में मारपीट। यही तो बता रहा था तुम्हें। क्या उनके परिवार वालों को पता है कि उनके घर के बेटे दारू पीकर बीच सड़क पर दंगा करते हैं? दिन में एक्शन फिल्म देखते हो और रात को वही फाइट करते हो, तुम्हारी तारीफ कर रही है वो। क्या पापा, एक लड़की को बचाया मैंने, बताया था ना रात में। तो वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? शो पूरा तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये मुंबई है, यहाँ पर बहुत सारी मारपीट देखने को मिलेगी, अगर किसी के झगड़े में जाएगा ना तो गर्दन काट देंगे तेरी। वजह है सिर्फ उनके माता पिता। सुना, तुम्हारी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। मैंने अच्छा काम किया है पापा। अच्छा काम किया होता तो तारीफ करते, ऐसे कोसते नहीं हमको। मीडिया का तो आपको पता है ना, आई एम हर्ट। ए, अब तू घर से बाहर नहीं जाएगा, समझा? पापा बीपी की गोली खा लो। बेचारा ऐसा ही चला गया, उसे खाने भी नहीं दिया। थाली में कुछ छोड़ा है क्या उसने? मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। हाँ, न कॉफी मिलेगी ना बीवी। छोटू, हाफ पैकेट लाइट देना। अच्छा सुन, एक मीठा पान भी। ये बच्ची किसकी है बताओ? क्या बोल रही हो मैडम, ये बच्चा मेरा है। Thank you.
तुम्हें पता है ये बच्ची अनाथ आश्रम की है, सच बताओ। जाओ ना मैडम, सुबह सुबह धंधे का टाइम खोटी मत करो। तुम दोनों को कोई काम नहीं है क्या? भैया भैया भगवान के लिए कुछ दे दो ना, भगवान के लिए दे दो, भगवान के लिए कुछ दे दो। हे भगवान। हाँ राहुल। हाँ? सर तो बहुत दयावान है, थोड़ी दया तुम भी दिखा दो। कम से कम 100 रुपया ही दे दो मैडम। नहीं, तुझे जेल में 100 साल की सजा दिलवाऊंगी। हेलो। हेलो, मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? बोलो साहब। आप विश्वनाथ हैं? जी साहब, मैं विश्वनाथ हूँ। MH 3028 गाड़ी आपकी? हाँ साहब, हमारी ही है। अपने बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ, बड़े साहब ने बुलाया है। जी साहब, पर क्या हुआ, क्या किया? हेलो हेलो, ए गौतम। अरे एग्जाम के बारे में, अरे रुक जा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ पापा। ए, अब क्या कर दिया? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। हाँ, पुलिस स्टेशन से? पर मैंने तो कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया तो पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया है? मुझे क्या पता पापा। हाँ, वो रात में जो पंगा हुआ था ना, शायद उसके लिए बुलाया। मैं भी आता हूँ, रुक। आप यही रुकिए, माँ को कुछ मत बताइएगा। अरे मेरी बात तो सुन। मेरे खिलाफ कंप्लेंट किसने लिखवाई? इस मैडम ने आपकी कंप्लेंट की है। इस लड़की ने? मैंने क्या किया? ये लड़की तो गूंगी है। छोटे बच्चों को पकड़ने वाले भिखारियों को बिना ये जाने कि वो कौन है, कहां से आए हैं, कैसे लोग हैं, इतने पैसे दान में दे दिए आपने। उसमें क्या, 500 ही दिए। अगर मेरी जगह ऐसा होते तो 1000 रुपए दे देते। बाबू, मैं इतना रिच नहीं हूँ, तू मेरी छोड़। इसको इतने सारे पैसे क्यों दिए पहले वो बता जल्दी से। बर्थडे था सर, उस दिन मैं बहुत खुश था इसलिए छोटे बच्चे को दे दिए। गरीब को दान देना गलत है क्या सर? हाँ बताइए, गलत है क्या? गलत है। तुम जैसे लोग बच्चों को देखकर ऐसे पैसे देते हो, इसलिए ये लोग अनाथ बच्चों को लेकर भीख मांगते हैं। बच्चों की हेल्थ भी बिगड़ जाती है। अरेस्ट कीजिए सर इसे। अरेस्ट? जब तक इस जैसे को सजा नहीं मिलेगी तब तक इस तरह के दान भी नहीं रुकेंगे। मैडम, पुलिस स्टेशन में सजा नहीं देते हैं, कोर्ट में देते हैं। आप वहाँ जाइए। मैं होता तो इसे कोर्ट में ले जाकर सजा दिलवाता। आप जाइए। मिनिमम उम्र कैद, अगर हो सके तो फांसी। चलो निकलो, निकलो। क्या सर, अरे फांसी, कोर्ट, क्या चल रहा है? ये क्या बोल रही थी? बाबू, सबसे पहले अपने पापा के दिए हुए पॉकेट मनी को बांटना बंद कर। सर, पहले तुम इधर से निकलो, अगर वो लड़की यहाँ दोबारा आई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ाने की जिद लेकर इधर ही धरने पर बैठ जाएगी। चलो निकलो। सॉरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कहाँ फंसा दिया सर, मैं भी जाऊं क्या? दोबारा तुमने ऐसी गलती की, 10 साल के लिए अंदर जाओगे, ऐसी सजा दिलवाऊंगा। चलो। अरे बाप रे, ये अब तक यहीं पर चल, चलते हैं। जल्दी निकलना पड़ेगा। ए, फोटो किस लिए खींचा? सॉरी बोला ना। इसे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली। हाय दीदी। हाय। हाय। हाय गीता दीदी। स्वीटी, मैंने तो नाम ही नहीं लिया, तो तुम्हें कैसे पता चला कि गीता दीदी आई है? दीदी के छूने से मैं समझ गई। स्वीटी, आज गीता का बर्थडे है, भूल गई क्या? मैंने तो पहले ही विश बता दी। कौन सी वाली? दीदी मेरे पेरेंट्स को ढूंढ लाएंगी, लास्ट ईयर ही कहा था, अभी तक नहीं लेकर आई। तुम्हारी आंखें नहीं है ना, इसलिए तुम्हें कोई गोद नहीं लेना चाहता। स्वीटी, तुम्हारे छोटे से दिल को मैं ये कैसे बताऊं? अच्छा ठीक है बच्चों, संडे को तुमसे मिलने आएंगे, ठीक है? बाय बाय स्वीटी। बाय गीता दीदी। गीता दीदी मुझे दिखाई नहीं देता है, इसलिए कोई भी मुझे गोद नहीं लेना चाहता है ना?
अगर मुझे बुरा ना लगे इसलिए आप मुझे नहीं बता रही हो ना दीदी? मुझे पता है गीता दीदी, मुझे पता है आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। गीता दीदी आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? हैप्पी बर्थडे गीता। हैप्पी बर्थडे गीता। पार्टी कब है? अच्छा ठीक है, बाय। छोटे बच्चों को सिग्नल पर भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करने वाला यही युवक है। क्या रे, अगले इलेक्शन में खड़ा होने का विचार है क्या तेरा? मैं इलेक्शन में क्यों खड़ा होऊंगा पापा? तो ये पब्लिसिटी के लिए पॉलिटिशियन के जैसे तुझे बदनाम क्यों कर रहे हैं? देख कहां? उंगली इस पर नहीं उठनी चाहिए, गलती पेरेंट्स की है क्योंकि छोटे बच्चों को पैसों के लिए वही इनकरेज करते हैं। वो लड़की सही बोल रही है, किसे दान देना चाहिए, कितना देना चाहिए ये पता होना चाहिए। कल से तेरी पॉकेट मनी कट। तो उसके रोज के खर्चे का क्या होगा? पापा की गलती नहीं है माँ, दरअसल उस लड़की की है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दिखाना? ये देख। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? इससे सुनाया तो ये चुगली करने तो नहीं आई? ए, तेरे पास कोई और न्यूज़ नहीं थी क्या? टीवी पर मेरी कहानी चला दी, तुम्हें पता है मेरे पापा ने कितना डांटा मुझे? तू बाहर मिल, तुझे बताता हूँ। अब तो गया। आइए सर, आइए। गॉड ब्लेस यू। ज्यादा अकल आने से संस्कार मिट्टी में मिल जाते हैं। मैंने गाली नहीं दी पापा। तूने उसको गाली नहीं दी ये मैं समझ सकता हूँ, पर उसे कितना बुरा लगा तुझे पता है? अरे बेचारी, उसके माँ बाप नहीं है, अनाथ है वो, ऊपर से गूंगी भी है, ऐसी लड़की का दिल दुखाते हुए शर्म नहीं आई तुझको? मैंने कुछ नहीं कहा, वो झूठ बोल रही है। अच्छा सुनो, इससे पहले कि ये और बिगड़े इसकी शादी करा दो, नहीं तो बाद में कोई भी नहीं मिलेगी। गीता से ही शादी करवा दे तो? गीता के जैसी सुशील लड़की इससे शादी करेगी, पागल है क्या वो? शायद गौतम की कोशिश से हाँ बोल दे। हा? भले अच्छे काम के लिए ये क्यों कोशिश करेगा? सब समझ रहा हूँ मैं, माँ को वो लड़की पसंद आ गई। अगर वो लड़की हमारे घर आएगी तो कितना अच्छा होगा ना गौतम? प्लीज भैया, उन्हें भाभी बनाकर घर ले आओ ना, वो मुझे बहुत पसंद आई, फेसबुक पर देखा था। फेसबुक पर सारे फेस अच्छे नहीं होते। गीता जी, वो मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करने आया था, बस 5 मिनट चाहिए प्लीज। इतना कुछ बोल दिया वो काफी नहीं था, अब क्या बोलने आए हो? तुमसे बात करना उसे पसंद नहीं है, चलो गीता चलते हैं। झगड़ा नहीं करूंगा, अब प्लीज बस 5 मिनट। अपनी लाइफ में मैं 3 लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी माँ, पापा और छोटी बहन। इन 3ों को तुम पसंद आई, मुझे भी तुम अच्छी लगने लगी हो। सिंपल भाषा में बोलूं तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर फिक्स कर दिया, तुम भी फिक्स कर दो मुझे। रिकॉर्डिंग रूम कहाँ है? ऊपर सर। अच्छा ऊपर। अरे रुकिए साहब, कहाँ जा रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट कल इंडिया आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, थैंक यू, हाय।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और मेरे साथ बैठी है गीता। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, इसलिए आज इनके साथ मैं आप लोगों को अपने दिल की बात बताने आया हूँ। आई लव यू गीता। ये क्या है गीता, ऑफिस है या लवर्स पार्क है? और तुम कौन हो? उस दिन इससे झगड़ा कर रहे थे और आज इसे प्रपोज कर रहे हो। तुम दोनों ने मिलकर मेरा चैनल बदनाम कर दिया है। वैसे मुंबई के चैनल में तेलुगु के एंकर को रखना मेरी ही गलती थी। अगली बार अगर ऐसी गलती की ना तो मैं रिएक्शन का भी मौका नहीं दूंगा। जाने दो। आज तक मेरे पापा ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे जिंदगी में कुछ करना है। स्वीटी जैसी बच्ची को मुझे माँ बाप दिलाने हैं। चिंटू को गोद लेकर मुझे खुशी से जिंदगी बितानी है। इतनी सी बात के लिए शादी के लिए मना कर रही हो? जिन्हें बच्चे नहीं है उन्हें गोद लेने के लिए कह सकती हो ना? ये इतना आसान नहीं है, मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ, कोई तैयार नहीं होता। ये काम मैं करूँगा। तो फिर करके दिखाओ। पता नहीं किसने दिया। गीता जी, मुझे आपसे बात करनी है, नीचे आएंगी प्लीज? वल्ली, किसी ने मुझे मैसेज भेजा है, पता नहीं कौन है, तुम मेरे साथ नीचे आओगी? ओके। हमारे बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें बच्चे चाहिए भी नहीं। आप जाइए यहाँ से प्लीज, यहाँ से जाइए। ये देखिए, हमें इस बच्चे को गोद लेना है। अनाथ है, ऊपर से अंधी है, ऐसा हमने उस दिन कहा था, लेकिन गौतम ने हमें अच्छे से समझा दिया है। उस वक्त आपकी बात ना मानने का हमें बहुत बुरा लगा। अब कोई शुभ मुहूर्त निकाल कर बच्ची को गोद लेना चाहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। फिर मिलते हैं। थैंक्स। थैंक्स गैरों को बोलते हैं, किसी अपने को नहीं। मैं उनसे मिली थी, ये तुम्हें किसने बताया? जो मन में बसा हो उसके मन की बात पता चल जाती है। स्वीटी को वो गोद ले रहे हैं और चिंटू को तुम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। वैसे इंडिया के बाकी अनाथों का क्या? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। जिन्हें बच्चे नहीं है उनकी डॉक्टर से लिस्ट निकालकर अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए कहेंगे। कपल्स भी खुश, बच्चे भी खुश, और इंडिया में कोई अनाथ बचेगा ही नहीं। इफ यू डोंट माइंड, एक हेल्प चाहिए थी। दो दिन से घर वालों ने मुझे खाना नहीं दिया। वो क्या है ना, तुम्हें मना कर मैं अपने घर लेकर आऊंगा, उसके बाद ही खाना मिलेगा ऐसा कहा था। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे भी खाना मिल जाएगा। स्वीटी की फोटो क्यों दिखा रही थी? गौतम यहाँ पर क्यों आया था? वो लोग स्वीटी को लेने आए। कैसे? गौतम ने उन्हें मनाया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। Thank you.
बच्चे कहाँ पर हैं? बता, बता, बताना। स्वीटी चिंटू कहाँ है? बता, कहाँ है वो दोनों? बताना, बता कहाँ है? जल्दी बता। मुझे नहीं पता है सर। तुझे नहीं पता? क्या क्या उनके साथ? बता। सर, बताना। बता। सर कहाँ ना? मुझे नहीं पता है। ए, रुक जा, अपने हाथ हटा। मैंने ही कंप्लेंट की थी सर। ए, रिकॉर्ड दिखा भी। बता बच्चों से मिले कौन आया था? रिकॉर्ड्स नहीं बता। है सर। हाँ? नहीं है सर। बिना मार खान नहीं बताएगा तू। रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा और तूने बड़े ही जल्दी से बता दिया कि रिकॉर्ड्स नहीं है। तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा क्या? जब तक सच नहीं बताएगा तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, याद रख ले। तो छोटे बच्चों से भीख मंगवाता है, ऐसा केस किया था सर। इसने मेरी स्वीटी और चिंटू को पक्का कुछ किया है सर। उस दिन ही तुझे वार्निंग दी थी ना, लेकिन तू सुधरा नहीं। सर, सर, एसआई साहब। जी भगवान साहब, बोलिए। दरअसल वो बच्चे मिसिंग नहीं है, मेरे आदमी उन्हें ले गए हैं। वो लोग किसी काम के नहीं है, पर उनके शरीर के अंदर जो पार्ट्स हैं ना, बहुत महंगे बिकते हैं। दरअसल ये छोटे बच्चों का मिसिंग केस है, ऊपर से अनाथ बच्चे हैं। ह्यूमन राइट्स वालों को पता चल गया तो? पता चल गया तो मैनेज करने में मुश्किल होगी। देखो, गुमनामी में पैदा हुए वहीं खो जाएंगे, उनके जाने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। तेरी बीवी का कॉल आ रहा होगा, बात कर ले उससे एक बार। हाँ जानकी, बोलो। घर पर कोई 20 लाख रुपए देकर गया है, मैंने उससे पूछा तो कुछ भी नहीं बताया। बाद में बात करता हूँ, अभी फोन रख। सर, केस बंद करवाने के लिए 20 लाख रुपए भेजे हैं, लेकिन सिंसियरिटी से काम हो जाना चाहिए, समझे? लग जाओ। सर, मैं संभाल लूंगा सर। सर, क्या हुआ सर? देखो, अगर तुम इस बात को यहीं भूल जाओगे तो अच्छा होगा। सर, बच्चों का क्या सर? दोनों बच्चों के बारे में इसके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। दो दिन पहले ही वो बच्चे यहाँ खेल रहे थे, वो दोनों बच्चे यहीं थे सर। वो दोनों इधर ही थे, इसका कोई सबूत है क्या? और उनको अगवा होते हुए किसी ने देखा है क्या? छोटे बच्चे हैं सर, आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों के पास कोई सबूत है तो ले आना, उसके बाद ही कुछ करूंगा। सर, चलो गाड़ी निकालो। इसके लिए इतना बुरा क्यों मान रही हो? स्वीटी चिंटू की वजह से हम करीब आए, अगर वो नहीं मिले तो क्या करोगी? देखो, शादी के बाद हमारे भी बच्चे होंगे, उन बच्चों को संभाल लेना। अब क्या है? ओह, तुम्हें मेरे चेहरे से प्यार हुआ था या मेरे दिल से प्यार करते हो? माँ, पापा, बहन, तुम्हारे पास सब है, लेकिन एक अनाथ के दर्द को तुम नहीं समझोगे। इस दुनिया में करोड़ों अनाथ हैं, लेकिन उन अनाथों के लिए अच्छा बुरा सोचने वाला एक भी आदमी नहीं है। वो लापता नहीं हुए हैं, किडनैप किए गए हैं। भगवान जाने उन्हें मार रहे होंगे या तड़पा रहे होंगे, या फिर उनके दिल के लिए, उनकी किडनी के लिए उनका ऑपरेशन कर रहे होंगे। किससे पता? तुम्हें पता है? जिन बच्चों का इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, वो अपनी दुविधा किसे बताएंगे? अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो मैं खुद ढूंढूंगी, और अगर मैं लापता हो गई तो मुझे ढूंढने आ जाना। अगर हम दोनों लापता हो गए तो हमारे पेरेंट्स ढूंढने आ जाएंगे, लेकिन अगर ये बच्चे नहीं मिले तो इन्हें ढूंढने के लिए कौन आएगा? सॉरी गीता, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। आज के बाद जैसे तुम इनके लिए हो, मैं भी रहूंगा। मैं उन बच्चों को डेफिनेटली ढूंढ निकालूंगा, भरोसा रखो। ट्रस्ट मी गीता, ट्रस्ट मी। डॉक्टर, ये हिल क्यों रहा है? दवाई तो सही दी है ना? हाँ सही दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले चलो। ए, चल, ए, चल, चल अंदर, चल अंदर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी।
किडनैप किया है इसका सबूत चाहिए था ना, ये लीजिए, तीन अनाथ बच्चों का किडनैप करते वक्त का वीडियो इसमें है। तो इस बार तीन बच्चों के किडनैप का केस करना है। पता नहीं सर, प्रूफ ले आया ना, अब जल्दी एक्शन लीजिए। आप क्या? एक किस लिए? इस बारे में सर से पूछकर आता हूं। और भगवान साहब, बच्चों का धंधा कैसा चल रहा है? ए साई, कंधे पे बिठाया तो कान में मुंह देगा क्या? आपने जो कहा बिल्कुल करेक्ट कहा साहब। एक बार पहले आपने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे, शायद दोबारा देने पड़े। ए, मैटर क्या है वो बता। कुछ नहीं, अभी अभी पता चला कि तुम्हारे कुछ आदमियों ने 3 बच्चों का किडनैप किया है और उनकी किसी ने रास्ते में धुलाई भी की है। तुझे ये सब किसने बताया? उनकी धुलाई करने वाला यहाँ पर बवाल कर रहा है, वीडियो भी रिकॉर्ड किया है उसने। अगर वो पकड़े जाते हैं तो केस भी बन सकता है। 50 लाख भिजवाऊंगा, वीडियो किसी के हाथ ना लगे। वो लड़का कुछ ज्यादा ही होशियार है, जरूर उसने दूसरी कॉपी रखी होगी कहीं। मैं भी मुंबई में ऐसा ही रह चुका हूँ, आगे का सब संभाल लूंगा मैं। वो वीडियो हर हाल में चाहिए मुझे। सर हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? भगवान के साथ डील सेट कर ली ना। कैसी डील? कैसी डील वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर यहाँ नहीं बताऊंगा। मुझे उस दिन ही शक हो गया था, पर इस बार पूरा वीडियो मेरे मोबाइल में ही है। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू। मुझे उन किडनैपर्स का पता चल गया है, उनके बॉस का नाम है भगवान, मैं उसका एक वीडियो तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम न्यूज़ तैयार करो, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। हाँ मैं वीडियो भेज रहा हूँ।
क्या रे लौंडे, वीडियो निकाल कर तू मुझे लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहता है? छोटे बच्चे हैं सर, उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए सर। मैंने जो वीडियो निकाला था वो इसमें है, ले लीजिए, पर उन्हें छोड़ दीजिए। मेरे बाप ने मुझे एक बात सिखाई थी, चाकू से सब्जी काटते हैं, अगर चाकू से सिर्फ सब्जी काटोगे तो गिर जाओगे, पर अगर गला काटोगे तो लोग पूजा करेंगे। देख तो बुरा मत मानना, मेरे रास्ते में आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। मुंबई शहर के बाहर गौतम नाम के एक युवक की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसकी हंसी देखो, ये खूबसूरत हंसी उसी के साथ चली गई बेटा, उसी के साथ चली गई, शायद ऊपर वाले को पसंद आ गई होगी, इसीलिए उसने मेरे बेटे को अपने पास बुला लिया। गौतम अच्छा लड़का था ना, समाज के लिए कुछ करना चाहता था, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता था, बड़े बड़े सपने थे उसके, अच्छे आदमी को ज्यादा दिन नहीं रखता ऊपर वाला, इसीलिए मार दिया, मार दिया। वो अकेला नहीं मरा है, उसके साथ हम सब भी हमेशा के लिए मर गए, हम भी मर गए हैं, हम बस यहाँ सीधा लाश की तरह खड़े। बेटा गीता, तुम हमारे साथ रहोगी क्या? तुम में हमें ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा हमें। देखिए अंकल, गीता अगर यहाँ पर रही तो आप सबके मन में हर समय गौतम से जुड़ी यादें आपके मन में आती रहेंगी और आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ दिनों के लिए हम कहीं और जाकर रहना चाहते हैं। चलो आओ, इस वक्त तुम्हारा अकेले रहना सही नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय। क्या बेटी आज इतना लेट हो गया, अकेले आई हो? वल्ली कहाँ पर है? कौन थी वो? मुझसे क्या लेना देना है? भाई ये है वो लड़की। इसे कैसे पता चला?
कि बच्चे गायब हुए हैं? ये लड़की हमेशा हमारे आश्रम में आती है और ये उसका लवर था भाई। बेवकूफ आदमी, कितनी बार कहा है कि बच्चों को किसी से मिलने मत देना? अगर दोबारा ये गलती हुई तो तुझे खत्म कर दूंगा। चल ठीक है, लवर्स को अलग नहीं करना चाहिए, उसे भी मार दे। अरे रे, जानता हूँ इसे, जानता हूँ मैं जानता हूँ इसे। मुंबई में मेरे हाथ से बच गई थी, इसीलिए मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। इसी ने मुझे वीडियो भेजा था और इसी ने उस जर्नलिस्ट को भी भेजा होगा। इसे कहीं से भी ढूंढ कर खत्म करो और इसके पास जो प्रूफ है वो मुझे ला कर दो। जाओ जाओ जाओ। गूंगी कहेगी। कलेक्टर सर, भगवान नाम का व्यक्ति अनाथ बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकालकर उन्हें जान से मारता है। मेरी फ्रेंड वल्ली को भी उसी ने मारा है सर। यहाँ तक कि बहुत से अधिकारी इस भगवान की कठपुतलियाँ हैं। कृपया इस भगवान को गिरफ्तार करके अनाथ बच्चों को छुड़वाइए प्लीज। अरे रे, कौन है ये लोग? क्या कर रहे हैं? भगवान! अरे भगवान तुम्हें मारने के पीछे क्यों पड़ा है? मैं डेंजर जोन में जा रही हूँ, अगर वापस आई तो हम यहीं मिलेंगे, नहीं तो भगवान को जेल पहुंचाने का प्रूफ मैं तुम तक पहुंचा दूंगी। कॉन्सेप्ट के लिए सूटेबल लोकेशन मुझे पता है। ठीक है, सेट वहां लगा लेंगे। परमिशन नहीं मिली तो उन्हें रिश्वत देकर मना लेंगे। वाह, ओके। हाँ बोलिए सर। मैं एसीपी बात कर रहा हूं। मैंने एसपी से बात कर ली है, तेरी जॉब रेडी है, पर पहले तो उसे मारकर भगवान के खिलाफ सारे सबूत लेकर आ। हाँ ठीक है सर। आपसे बात करना तो बेकार है। गीता तुम मेरी बात सुनो। गीता, अच्छा।
मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये वीडियो मुझे दे दो, इस भगवान से डील मैं करता हूँ। तुम भी उनके जैसे हो, तुमने भी भगवान के साथ हाथ मिला लिया है, मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छा देखो, वो लोग आ गए हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देंगे। प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो सारथी, एसीपी ने बताया था कि तुम मेरे साथ हो, तो जल्दी करो, इसे खत्म करो और वो वीडियो दो मुझे। सर रुकिए सर, अगर इसने एक बटन भी प्रेस कर दिया ना तो ये वीडियो एक मिनट में वायरल हो जाएगा, उसके बाद आप, मैं या एसीपी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसे मैं मैनेज करके ये वीडियो निकलवाता हूँ। तू इतनी जोर से बोल रहा है तो उसे सुनाई नहीं देगा क्या? सर ये लड़की गूंगी और बहरी है, इसलिए इससे बात करने के लिए साइन लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है और मुझे वो आती है। ऐसा है? ठीक है, अपने हिसाब से देख लो। ओके। गीता प्लीज मेरी बात मानो और जरा दिमाग से काम लो, दिमाग चलाने से सब ठीक हो जाएगा। वो वीडियो मुझे दे दो। नहीं, तुम मुझे मार दोगे। गीता तुम अपने प्यार के बारे में जरा दिल से सोचो तो सही। ये रहा प्रूफ, अब जल्दी एक्शन लीजिए। उससे बात करने के बाद। सर कुछ बच्चों के लापता होने के कोई कंप्लेन लिखाना है, यह आपका हिस्सा है। एसपी साहब का भी ऊपर से प्रेशर है, लेकिन वो मैं संभाल लूंगा, बस आप चुप रहिएगा। उसके मरने के 3 दिनों बाद तुम्हारे वो ससुर जी है ना, वो मेरे पास आए थे मिलने के लिए। अगर पैसे दूंगा तो आप मेरा काम करोगे? कितने है? कितने हैं पता नहीं, बेटे की पढ़ाई के लिए जमा किए थे, बेटा तो अब रहा नहीं तो अब इसकी भी जरूरत नहीं, पर आप मेरे साथ कुछ देखने चले तो मेरे बेटे को ही मार दिया, एक गूंगी लड़की की आशाओं को मार दिया। सर अपने माँ बाप को खोने के बाद आप भी अनाथ हो गए थे ना, एक अनाथ को दूसरे अनाथ की मदद करनी चाहिए पर उनकी मौत का कारण नहीं बनना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उस फाइल को बंद हुए तो बहुत वक्त बीत चुका है सर, इस केस को रीओपन करके इससे जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार करो। आपको आपका हिस्सा मिला था ना? वो मैंने लौटा दिया है, अब तुम उन लोगों की जान लौटाओ। क्या ये ओवर एक्टिंग? हाँ अर्जेंटली वो फाइल लाओ और वो पेन ड्राइव भी मुझे चाहिए। नहीं दिया तो क्या करोगे? मिस्टर सारथी, इस एसआई को मार रहे हो जो ड्यूटी पर है, यू आर सस्पेंडेड। सर मेरी बात तो सुनो। नो मोर एक्सप्लेनेशन, गेट आउट। और उसके बाद मैं यहाँ आया, स्टेशन के बाहर जाने के बाद मुझसे मिलने के लिए कमिश्नर साहब आ गए थे। सर तुम बदल गए हो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन उस भगवान का अंत करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। इस एरिया के एसआई से लेकर यहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ भी उसका नेटवर्क है, एक एसपी होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, उस भगवान को पकड़ने के लिए तुम्हें मुंबई जाना होगा, पक्का एविडेंस मिलते ही उसे मार देना। सारथी मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके सर। ट्वेंटी 24/7 इसी बस स्टॉप पे खड़ा रहता हूं। सर सारथी काम कैसा चल रहा है? मैं उसी काम में लगा हूं सर, कुछ हाथ नहीं लग रहा। हे भगवान मेरा खेल शुरू। इसका किडनैप वाला वीडियो वायरल हो गया है तो मैं क्या करता? सर ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ आने पर अरेस्ट कर सकता हूँ, पहले आप यहाँ से निकलिए। बस तुम थोड़ा दिमाग लगाओ और वो वीडियो मुझे दे दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। Thank you.
से। ला दे मेमोरी कार्ड, मुझे दे दे, जाके मार दे उसे। एक मिनट, पहले इसमें का वीडियो तो चेक कर लूं। कर लो। हे भगवान, तेरा खेल खत्म। मतलब हुआ क्या? तू सिर्फ एक या दो पुलिस वालों को रिश्वत देकर चुप करा सकता है, लेकिन पूरे हैदराबाद मुंबई के पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं चुप करा सकता। अरे हे, क्या रे, कचरा नहीं फेंका, कितना बास मार रहा है। मेरे अंदर का जानवर देखेगी क्या? तूने मुझे धोखा दिया? और नहीं तो क्या, तेरा चुम्मा लेता मैं। छोटे बच्चों को मारते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मैं बताता हूँ शैतान को किस तरह से मारा जाता है। ए, देख क्या रहा है, जान से मार डाल इसे। बोला था ना, डबल पैसे ले और अपना मुंह बंद रख। मार डाल इसे भी। क्या लड़की, तुझे ऐसे फालतू काम करने में मजा आता है क्या? ओह, ये तो गूंगी बहरी है ना, तेरी भाषा में समझाता हूँ। हैं? हैं? Hey! 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 Hey!
सारथी। सुन सुन सुन, डबल पैसा मिलेगा, रुक जा। सुन, ऐसा मत करना, मैं पैसा दूंगा, हाँ डबल का डबल दूंगा मैं। नहीं नहीं ए, नहीं नहीं बच्चे जन्म से अनाथ नहीं होते, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अकेले हो चुके बच्चों को अनाथ बनने नहीं देना है। अनाथ बने बच्चे कभी भूख से मर जाते हैं, नहीं तो इन भगवान जैसे शैतान के हाथों बलि चढ़ जाते हैं। चंद वोटों के लिए घर बनाने वाली सरकार किस स्कीम में लोगों को चावल दाल नमक और सब्जी बांट देती है, लेकिन क्या सिर्फ इतना सा काफी है? अनाथ बच्चों की भूख मिटाने के लिए एक भी स्कीम नहीं निकालती। थोड़े से फायदे के लिए अपना जमीर बेचने वाली सरकार, भले ही वो आम इंसान हो या अनाथ बच्चे, उसका त्याग कर देती है। जिनके पास पहले से ही सब कुछ है, वैसे लोगों के हक और सफलता के लिए लड़ती है, लेकिन इन्हीं अनाथों के लिए और उनकी पहचान बनाने के लिए भी खड़ी नहीं होती। इसीलिए हमारी मेहनत को पहचानो, हमारे दर्द को समझने की कोशिश करो, यही मेरी विनती है। मानवता को आगे रखकर, जात पात को छोड़कर, जिनके बच्चे नहीं हैं, ऐसे अनाथ बच्चों के माँ बाप बनोगे तो बुढ़ापे में वही बच्चे आपका सहारा बनेंगे। एक बार सोच कर देखिएगा प्लीज। मुझे माफ करना वल्ली, मैं तुझे बचा नहीं पाई। अगर अगला जन्म लिया तो तू मेरी फिर से फ्रेंड बनना। अगर हम लोग उस दिन शूटिंग नहीं कर रहे होते तो आज वल्ली जिंदा होती। ये लोग तुम्हारे माँ पापा और दोस्त हैं, ठीक है ना? ठीक है दीदी। इस बच्ची को हमें गोद देकर तुमने हमारी गोद भर दी, थैंक्स गीता। 10 मिनट में अगली बस आ जाएगी। बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी शादी के बाद बस एक ही बच्चे को जन्म दूंगी,
और एक बच्चे को गोद लूंगी। जिन कपल्स के बच्चे नहीं हैं, उन्हें अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए हम कन्विंस करेंगे। मेरे गांव में भी एक अनाथ आश्रम है, वहाँ के भी सारे बच्चों के लिए घर ढूंढकर मैं उसे भी बंद करवा दूंगी। दीदी, आप यहाँ कलकत्ता में क्या कर रही हैं? ये आदमी कौन है? मुंबई के भगवान गुंडे जैसा ही, ये कलकत्ता का गुंडा है। बाय गीता। बाय दीदी।